टुडे इज द प्लांटेशन डे इन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बोटेनिकल गार्डन। Gardens are the source of conservation for natural biodiversity conservation. Today, our students from MPhil, PhD, Plant Sciences and number of other organizations are working with us. We are going to plant different plants for the conservation to make Pakistan clean and green. We are going to plant the citrus, that is Rutaceae family, guava, that is Myrtaceae family, and the pinus, that is the Pinaceae family. So our students are working in different sections to plant different plants in this spring plantation. प्लांटेशन डे हो रहा है, इसका हमारे क्लाइमेट पे सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होगा। और मैं सबको ये कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। हम लोगों को इस तरह से मतलब उनकी ज़िंदगी दे रहे हैं, बेसिकली हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को भी। Today we will celebrate the plantation day in Qaid-e-Azam University, Islamabad. As we know ke plants are very important for healthy environment. Plants change the climates, aur jaise ki aaj humne citrus plant humne lagaya hai, it's very good for health and people log isko jaise sardiyon mein hum use karte hain khane peene ke lihaz se, har saal plantation day ko celebrate karna chahiye aur healthy aur neat aur clean environment ko banane ke liye plants bahut important role play karte hain। आज जो हम दिन मना रहे हैं वो स्पेशली है कि प्लांट्स लगे हैं, वो प्लांट जो कि फ्रूटिंग प्लांट्स हो। फ्रूटिंग प्लांट्स एक तो हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छे, हमारे लिए अच्छे और जितने भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए जरूरी है। तो हमने डिफरेंट प्लांट्स लगाए हैं, एक बेसिकली कंपेन है जो कि हमने वर्ल्ड वाइड, जिस तरह बिलियन ट्री सुनामी है उसी का एक पार्ट है कि जहाँ आपने मुख्तलिफ प्लांट लगाने हैं और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। और बेसिकली बोटेनिकल गार्डन का जो पर्पज़ है वो यही है कि आप प्लांट लगाएं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करें, नेचर को प्रोटेक्ट करें, और ये एक कंपेन आगे तक। पाकिस्तान में सोशली के अलावा प्रॉब्लम्स के अलावा हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में भी हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे एक प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज का भी है, इसकी वजह से हमें वाटर शॉर्टेज, फ्लड्स वगैरह इन सब के इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसकी प्रिवेंशन के लिए हम यहाँ प्लांट्स आज प्लांट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। यानी जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हमने आने वाले मुस्तकबल के लिए, आने वाले जो लोग हैं उनके लिए हमने बचाना है और अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना है, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमने क्या करने हैं, प्लांट्स लगाने हैं। तो इस हवाले से आज हम ये दिन मना रहे हैं। दिस जो प्लांटेशन जो है इसका इम्पैक्ट होगा हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे वेदर पर, हमारे कंट्री पर, क्योंकि प्रैक्टिकली इम्पैक्ट तब होगा जब आप प्लांट्स अडॉप्ट करोगे। तो हमने प्लांट्स तो लगा देते हैं, बिलियन ट्री सुनामी इज अ मेजर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, लेकिन जब तक प्लांट सक्सेसफुल नहीं होगा, फुल ग्रोथ नहीं होगी, तो उसके एनवायरनमेंट पर कोई बेनिफिट नहीं होंगे। तो अब हमने प्लांट्स को बेनिफिट्स के लिए लगाना है कि हमने अपनी आने वाली नस्ल को फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, फ्रेश एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, और हमारा जितना भी ये प्लांटेशन डे का जो ऑब्जेक्टिव है तब भी अचीव होगा कि हम इन प्लांट को सक्सेसफुल बनाएं। वी हैव अ डॉक्टर कवल नाजिम, शी इज अ मैन motivator for this plantation day today. Thank you very much. I am thankful to the for biodiversity and Qaid-e-Azam University for providing us this space. We are from SAMHS, Services for Environment and Mangrove Protection, and this activity is conducted by Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank donated 15,000 plant heighted plant 4 to 7 feet, and there are variety of plants. Today we are going to develop a pine urban forest as well as the fruit orchard, and here are variety of fruits, citrus fruits and guava and the other. And as we know that today we are facing the climate change, and climate change has two phases, the adaptation and the mitigation. So we have fully adapted, now we move towards the mitigation. And we always follow the cheapest method, because we are a developing country, and being a developing country we need to follow the cheapest method, and plantation is the cheapest method, or not only to
absorb the carbon dioxide, but also it absorb the pollution. It is the sink of the pollution. We were so honored that today for this plantation drive from Standard Chartered Bank, Avesh Saab is with us, and Avesh Saab will highlight the importance of this day at plantation drive. I think global warming ke hisab se Pakistan is one of the most impacted and affected countries in the world. On recently humne dekh bhi liya in the rains and the monsoon that we got and the floods that we had. We are still suffering in Sindh because of the water that has been accumulated. So Standard Chartered took the initiative. Environmental impact can be minimized as much as possible. We are also honored that we have a Dr. Rozier. He is the assistant professor in marine ecology and marine biology in Karachi University. से है कि ये हमारी सोसाइटी है सेलेक्ट पर मैं मैंग्रोव प्रोटेक्शन उसमें जनरल सेक्रेटरी हूँ और इस वक्त हम जनरल की सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर हैं और इस जगह पर प्लांट्स लगाना और यहाँ पर इसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट है और यहाँ पर प्लांट्स की पोस्ट केयर मौजूद है और इसमें यहाँ पर हम 15,000 प्लांट इस वक्त लगाने जा रहे हैं और ये हमारी किक ऑफ ड्राइव है जहाँ आज हम यहाँ पर तकरीबन 2,000 प्लांट्स से स्टार्ट लेंगे और आइंदा नेक्स्ट इसी पूरा मंथ के अंदर हम इंशाल्लाह 15,000 प्लांट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। प्लांट लगाएंगे तो एनवायरनमेंट को बहुत फायदा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है तो अगर हम ज्यादा प्लांट लगाएंगे तो वो डिक्रीज होना शुरू कर देगा और ऑक्सीजन की लेवल दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। From the Qaid Azam University, or Qaid Azam University is the cultural place for all Pakistan. Because we have diversity of the students, so diversity of plants conservation is the need of the time. If we conserve biodiversity and environment today, we basically conserve the lives of our generation for future. So love the nature, care the nature, and protect the nature. यही हमारा motto है और यही रहेगा. क्योंकि असल में जो बिलियन ट्री सुनामी हो या कंजर्वेशन हो तब भी उसका इम्पैक्ट होगा जब प्लांट को आप अडॉप्ट करेंगे, लगाएंगे और उसको हमने अडॉप्ट करना है और यही प्लांट जो होंगे हमारी लाइफ की जो सर्वाइवल है कंजर्वेशन है उसके लिए इनका रोल होगा. तो वी अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स बाय आवर वॉलंटियर्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मैडम कवल ऑर्गेनाइजेशन, Qaid Azam University, KPK थ्रू आउट पाकिस्तान. वी आर वेरी थैंकफुल फॉर योर वेरी नोबल काज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.